नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज हम जानेंगे कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका ध्यान कैसे रखा जाए। जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा है, हर एक व्यक्ति आज तनाव में है, और ऐसे ही इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ये बरकरार रखना एक चुनौती के जैसा हो गया। तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हो तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही में आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होता है। तो बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है कि किस तरह के व्यायाम हमने करने चाहिए। जैसे आप खेल सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप पार्क में टहल सकते हो। अगर आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है तो आप गार्डनिंग, बागवानी आप कर सकते हो, या घर का कोई भी कामकाज है वो भी आप कर सकते हो। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि कितनी देर तक हमने व्यायाम करनी चाहिए। एक 30 से 40 मिनट तक का जो व्यायाम है ये हमारे शरीर के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। व्यायाम के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारा जो फिटनेस है, शारीरिक तंदुरुस्ती हमारी बढ़ती है। दिन भर में कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसमें आपको थकान महसूस नहीं होगी। काम में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी उसके साथ बढ़ेगा, एक आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। साथ ही में क्या होता है कि अगर आपको नींद की समस्या है तो वो भी नियमित व्यायाम से अच्छी हो सकती है। आपकी नींद जो है वो एक बराबर हो जाती है, और जो आपका चेहरा है इसके ऊपर भी आपका एक तेज नज़र आता है, चेहरा आपका निखरता है। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे हमें व्यायाम से दिखते हैं। डाइट, संतुलित आहार लेना। जो आहार आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वही आहार आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। कुछ कुछ आहार जो होते हैं उनका तत्काल प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर होता है। उदाहरण के तौर पे कैफीन हो गया, चीनी हो गई। तो इसका कैसा है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर तत्काल प्रभाव होता है। फिर भोजन, जिसका कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर एक दीर्घकालीन प्रभाव होता है। हमारा जो आहार है वो एक पोषक तत्वों का मिश्रण रहना चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे उसमें फिर हरी सब्जियाँ आ गई, फिर फ्रूट्स आ गए, फिर पानी आपको पीना है, भरपूर पानी पीना है। तो इस तरह से आपका आहार रहना चाहिए जिससे कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों भी अच्छे रहे। शराब या नशीली पदार्थों से दूर रहे। कुछ लोग अपना मूड बदलने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, डर को दूर करने के लिए, या अकेलेपन की जो भावना है उससे निपटने के लिए शराब पीते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शराब का जो प्रभाव है वह अस्थायी है। शराब पीने के बाद थोड़ी देर के लिए ही आपको अच्छा लग सकता है, फिर बाद में आपको वही जो भावनाएं आपकी वही महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि शराब दिन ब दिन फिर आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों के ऊपर असर करती है, और जो भावनाएं आपको चाहिए रहती है
वही भावनाएं फिर से आपको निर्माण करने के लिए ज़्यादा शराब भी पीनी पड़ती है, उसे डिपेंडेंस सहिष्णुता कहते हैं। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तंबाकू लेना हो गया, गांजा या चरस हो गया, या बाकी बहुत सारे नशीली पदार्थ है उनका सेवन करना हो गया, तो ये भी शराब की तरह ही होते हैं। दिन ब दिन इनकी जो लालसा है ये बढ़ जाती है, यह भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर असर करते हैं। और अगर आपको यह नशीली पदार्थ अगर मिलता नहीं तो आपकी बेचैनी बढ़ती है, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, एक इससे भी डिपेंडेंस आपके शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर आ जाता है। तो हमें यह समझना होगा कि फिर शराब हो या कोई भी नशीली पदार्थ, इनका हमें फ़ायदा न होते हुए दीर्घकालिक तौर पे हमें इसका नुकसान ही ज़्यादा है। विराम लेना, ब्रेक लेना। विराम लेना ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बहुत ही बार हमें काम का एक ज़्यादा प्रेशर रहता है, ऐसे वक्त हम हमारा जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, काम के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे वक्त अगर हम थोड़ी देर के लिए काम से अगर हम ब्रेक लेते हैं, विराम लेते हैं, तो एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। आप आपका अगर लंच ब्रेक भी लेते हो तो उससे भी आपको एक एनर्जी मिल सकती है, स्फूर्ति आपको मिल सकती है। सप्ताह के अंत में आप थोड़ा घूमने के लिए जा सकते हो। एक खुद के लिए हमें टाइम देना चाहिए। ब्रेक लेना मतलब एक नई ऊर्जा के साथ आपने आपका काम नए से शुरू करना। अच्छी नींद ले। बहुत बार हमारा जो शरीर है वो थका हुआ महसूस करता है, और ऐसे वक्त अच्छी नींद लेना ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम बराबर नींद नहीं लेते हैं तो इससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है यह भी बिगड़ सकता है। हम जो हमारा काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, काम में जो एकाग्रता रहनी चाहिए वह नहीं रहेगी। हमें यह समझना होगा कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो सब कुछ आपका अच्छा रह सकता है। और उसके लिए एक अच्छी नींद होना यह भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया हमारा इंतज़ार कर सकती है, यह हमें समझना चाहिए। हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, यह हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। आपके शौक या हॉबीज़, उसके ऊपर आप ध्यान दें। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ही तनाव में रहते हैं, बहुत ही चिंता हमें खाई जाती है। ऐसे वक्त अगर आप कोई हॉबी या शौक आप अगर आप रखते हो तो ये चिंता जो है उसको भूलने में, आपका मूड बदलने में यह शौक आपका काम आता है। उदाहरण के तौर पे आप गार्डनिंग, बागवानी आप कर सकते हो, फिर ड्राइंग, स्केचिंग हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, बैडमिंटन खेलना हो गया, या कोई भी चीज़ जिसे करने में आपको आनंद आता हो, जिसमें आप खुद को भूल सकते हो, इस तरह का शौक हमें रखना चाहिए। अपनी जो भावनाएं है, अपने जो विचार है, उसके बारे में बात करें। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात करने में लोग असहज महसूस करते हैं, उसके बारे में खुल के लोग बात नहीं करते हैं। आपकी जो भी भावनाएं हैं उसके बारे में बात करना यह कुछ कमजोरी का लक्षण नहीं है। अगर आप
बात करते हो तो कहीं तो भी आपका जो तनाव है वो कम हो सकता है, क्योंकि उस बात को लेके आप कहीं तो भी परेशान हैं, उसको आपके सिर में लेके आप घूम रहे हैं। अगर आप खुलते हो तो दूसरे को भी वह वैसा करने में प्रोत्साहित कर सकता है और दूसरा भी अच्छे से आपके सामने खुल सकता है। तो अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार है, उसे शेयर करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। आप जो हो उसे स्वीकार करो। कोई क्या है कि अच्छे से गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई लोगों को हंसा सकता है, कोई अच्छे से खाना पका सकता है, तो हम सब अलग हैं। मुझे किसी की तरह बनना है और उस तरह की कामना करना यह गलत बात है। आप हो और हमें खुद को स्वीकारना पड़ेगा। आप जो भी हो उसे आप स्वीकार करो, खुद के ऊपर गर्व महसूस करो। जब आप खुद को आप स्वीकारते हो तो जीवन जो है वो आसान हो जाता है और जीवन में आपको आनंद महसूस होता है। सबसे जुड़े रहे, आप आपके परिजन, आपके दोस्त, आपके सहकारी, इन सब से अगर आप जुड़े हो तो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना आप अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे जुड़े रहना ये बहुत ही जरूरी होता है। जुड़े रहने के बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे कि आप आमने सामने मिलके किसी से बात कर सकते हो, आप ऑनलाइन आप चैटिंग भी कर सकते हो, किसी को आप मैसेज जो है वो आप कर सकते हो। जो हमारे संचार के जो मार्ग है, जुड़े रहने के जो मार्ग है, यह हमें हमेशा खुले रखने चाहिए। हमें उन रिश्तों के ऊपर काम करना चाहिए जो रिश्ता हमें आनंद देता हो, हमें मूल्यवान महसूस करता हो। कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनसे आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर पति पत्नी में या आप रिलेशन में हो और उसमें अगर बार बार झगड़े होते हो तो उससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ये खराब हो सकता है। उससे अच्छा है कि आपस में बात करके दोनों ने उस रिश्ते को समाप्त करना चाहिए। दूसरों की मदद ले। हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। बहुत बार हम थक जाते हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत अधिक होती है और उसे पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। ऐसे वक्त अगर हम किसी की मदद लेते हैं, जैसे कि हमारे परिजन वाले हो गए या दोस्त है या हमारे सहकारी है, तो अगर किसी की भी मदद लेते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो सकता है। तो ऐसे में मदद लेना ये अच्छी बात होती है। दूसरों की देखभाल करें, मदद करें। अगर आप आपके करीबी या किसी की अगर आप मदद करते हो तो उससे आपका जो रिश्ता है वो और भी मजबूत होता है, साथी में ये आपको और भी करीब लाता है, आपकी तबीयत में भी आपको सुधार नज़र आता है, एक स्फूर्ति एक आपको महसूस होती है, एक एनर्जी आप में आ जाती है। और हमेशा दूसरों की मदद करना ये अच्छा रहता है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। यह हो गई मेरी सलाह आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखने के लिए। और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति इसी तरह की नई नई जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको ये करना है कि हमारे जो वीडियोज़ है उसको आपको लाइक करना है, साथ ही में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।